अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 3 माह की बच्ची का छोटा सा फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान कटिंग है। आप इस चीज़ का ख्याल करें, छोटे बच्चे का हमेशा फ्रॉक जब भी कटिंग करें, बैक स्लिट ओपन या फ्रंट ओपन फ्रॉक बनाएं, ताकि छोटी बच्ची को पहनाने में आसानी हो। तो मैं इसका कटिंग का तरीका बता रही हूँ आपको। छोटा फ्रॉक अमूमन बहुत छोटा सा बनाने के लिए हमने 14 इंच या 15 इंच तैयार रखना होता है। कुछ लोग बहुत शॉर्ट पहनाते हैं, तो इसके लिए मैंने ये जितना कपड़ा हमारे पास है, ये तकरीबन आधा गज कपड़ा है, तो इसमें से मैंने इस तरह से अम्ब्रेले की कटिंग करूँगी और बॉडी जो होगी वो मैं ओपन करूँगी, फ्रंट या बैक। तो इसके लिए मैंने इसी तरह से देखें कॉर्नर बना लिया, जैसा अम्ब्रेला बनाते हैं। इस साइड में सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखा है, क्योंकि एक साइड में ये जोड़ आएगा, सिलाई आएगी, और दूसरी साइड में नहीं। तो इसको जितना ये है, हम इसको इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और ऊपर की साइड से ये देखेंगे कि बच्चे की फिटिंग, छोटी बच्ची बेबी की कितनी रखनी है, हम उतनी ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा खुले फ्रॉक इतने छोटे बेबी को अच्छे नहीं लगते और सही साइज़ भी नहीं लगता पहनने के बाद। अब ये देखें जितना साइज़ है, हम उसके हिसाब से ऊपर की साइड से देखेंगे कि ये हमने कितना रखना है। ये तकरीबन छोटे बच्चे का 12 इंच रखते हैं अमूमन, लेकिन 10 इंच सिलाई के बाद हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा खुले कपड़े भी नहीं अच्छे लगते। देखें इस तरह से ये 9 इंच बहुत कम सा लग रहा है, लेकिन सही है, क्योंकि 1 इंच थोड़ी सी हमने इसमें सिलाई रखनी है, बाकी बॉडी की फिटिंग रखनी है। ये देखें 10 इंच का मैंने इस तरह से लिया और इसका निशान ऐसे ही लगा कर हम इसको ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, यानी कि मैंने अगर डबल फोल्ड करती हूँ इस तरह से, 4 फोल्ड, तो इस तरह से आपको इजीली बताती हूँ। ये हमने 5 इंच रखेंगे, ताकि ये 10 इंच हमें मिल जाए। ऐसे आप चाहें तो चुन्नट अगर डालनी है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा भी कटिंग कर सकती हैं या थोड़ा कम भी। देखिए मैंने 5 इंच ऐसे कटिंग किया और ऐसे ये देखें इतना सा रह गया, ये थोड़ी सी सिलाई हो जाएगी और इसके बाद ये देखें 10 इंच हमारे पास इसकी फिटिंग रह जाएगी छोटी बेबी की। अब मैंने जो बॉडी की कटिंग करनी है, जो हमारे पास साइड से कपड़ा बचा है, हम उसी की ही कटिंग करेंगे, ताकि हमारे पास खूबसूरती से तैयार हो जाए जो कपड़ा है इसी में। ये देखें, ये मैं बैक या फ्रंट जो है लेंथ पहले मैं बोलूँगी, जो हमने ओपन रखना है, चाहे बैक ओपन रखें या फ्रंट, क्योंकि जो कपड़ा है हम उसी में पूरे फ्रॉक को मुकम्मल करेंगे। इस छोटी बच्ची का बॉडी का साइज़ अमूमन 6 इंच या 7 इंच होता है, सिलाई के बाद बहुत कम रह जाता है। मैं 7 इंच ले रही हूँ, सिलाई के बाद और कम हो जाएगा। ये मैं बैक ले रही हूँ, ताकि फ्रंट हमारे पास सही साइज़ मिल जाए। इसका शोल्डर हमने बहुत छोटा सा 7 इंच यानी कि रखना है, 3.5। ये स्लीवलेस फ्रॉक है, तो ये छोटे बच्चों के आर्म होल हम बहुत छोटे छोटे से रखते हैं, ताकि फिटिंग बहुत अच्छी आए। ये तकरीबन इसका भी 3.5 आर्म होल ही है। ये देखें, देखने में ये बहुत छोटा सा साइज लग रहा है। अब हम इस साइड से जो हमने 10 इंच की फिटिंग बॉडी की रखनी है, विड्थ रखनी है, ये देखें इतनी सी, लेकिन मैं 1 इंच का सिलाई का मार्जिन भी लूँगी इस तरह से। ये हमने बैक ओपन ली है, जो हमने फ्रंट का पीस लेना है, जो हमारे पास इस तरह से कपड़ा बचा है, इसमें हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, ताकि हमारे पास फ्रॉक की खूबसूरती भी बढ़े और डिज़ाइनिंग भी हो जाए। अब जो ये हमारे पास पट्टी सी बची है, कपड़ा बचा है, हम इसी में छोटी सी डिज़ाइनिंग इस तरह से करेंगे कि बैक का स्लिट, ये देखें इतना सा मार्जिन रखेंगे और ये इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इसकी हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, ताकि फ्रॉक में खूबसूरती सी आ जाए और प्यारा भी लगे। देखें इस तरह से फ्रंट की हमने इस तरह कटिंग की, और हम इसको सीधा ही कटिंग ऐसे कर लेंगे। आप चाहें तो इसको राउंड भी कर सकती हैं, चाहे तो कोई और शेप भी दे सकती हैं।
फ्रॉक की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो मैं हल्का साइज में ऐसे राउंड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत कम मैं देखें। और इसी तरह से ये बैक का हमने नेक लाइन यानी गला कटिंग कर रही हूँ, बहुत छोटा सा कटिंग किया है, 2 इंच से भी कम, 1.5 इंच, यानी कि टोटल हम खोलेंगे तो बहुत छोटा सा ही नज़र आएगा। जो हमने आपको नेट सिखाई है, इसको ऊपर बॉडी में मैं इतनी सी डबल लूँगी, जिसे ट्रांसपेरेंट योक भी अक्सर खोलते हैं। ये देखें इस तरह से, यही साइज इस तरह से डबल लूँगी। ऐसे ही हमने सिलाई का मार्जिन इतना सही रखा है ताकि हमारी जो सिलाई हो जाए वो इतना ही रह जाए। ये देखिए नेक लाइन इसी के हिसाब से कटिंग करूँगी पहले, फिर बाद में फ्रंट का गला हम थोड़ा सा डीप कर लेंगे। अब जो ये मैंने नीचे नेट रखी थी, थोड़ा सा ऊपर ऐसे रखना है कि सिलाई आने के बाद ये बिल्कुल सही साइज हमारे पास हो। ये देखिए इस तरह से, जब ये सिलाई हो जाएगी तो ये इतना सा साइज़ आ जाएगा और हमारा परफेक्ट साइज जो हमने करना है वो करेंगे। और थोड़ा सा 1/2 इंच या 1 इंच आप डीप करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे के नेक लाइन में बड़ी बहुत बुरी लगती है। अब आप चाहें तो इसके नीचे रेड कपड़ा भी लगा सकती हैं, चाहे तो आप यही डबल ले सकती हैं। तो मैं छोटा सा रेड कपड़ा ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये सॉफ्ट कपड़ा है, छोटे बच्चे के सॉफ्ट कपड़ा ही अच्छा लगता है। सिर्फ मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी और कम कपड़े में ही हम छोटा सा फ्रॉक तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे जो छोटे छोटे पीस बच जाएं तो हम उसको ही इसी तरह से इस्तेमाल में ले आएं और हमारी छोटी बेबी का फ्रॉक प्यारा सा तैयार हो जाए। इसमें आप चाहें तो पाइपिंग ना भी लगाएं, क्योंकि यही डबल हमने गले को अटैच यानी गुम सिलाई में ऐसे करेंगे तो ये गला वैसे ही प्यारा बन जाएगा। अब ये देखें इस तरह से, इस सिलाई के बाद आपको सही इसकी लुक नज़र आएगी। व्यूअर, हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें छोटे पीसीज में कोई स्टाइलिश फ्रॉक बताएं, तो हम ये इस तरह छोटे पीसीज में 1/2 मीटर यानी कि 1/2 कद में ये स्टाइलिश फ्रॉक बता रहे हैं। आप इसी तरह छोटे पीसीज जो आपकी शर्ट से बच जाती हैं, आप अपनी बेबीज के फ्रॉक बनाएँ, और अगर आपके पास छोटी बेबी नहीं है तो आप गिफ्ट भी दें। अब ये देखें इसी तरह से मैंने आपको बताया, ऐसे कर कर इसको थोड़ी सी, कोई लेस है आपके घर में बासानी अवेलेबल है तो उसको भी लगा सकती हैं आप। ये छोटे छोटे से फूल लगाकर इस फ्रॉक को बहुत ही खूबसूरत सा तैयार कर सकती हैं और बहुत ही प्यारा तैयार हो जाएगा। सीने के बाद इस फ्रॉक की लुक बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप चाहें तो इसको बॉडी को अटैच करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर वाइट कलर की रिबन भी लगा सकती हैं, या डॉट्स वाली पट्टी लगाकर उसके ऊपर वाइट कलर के जो मैंने आपको फूल दिखाए हैं वो भी लगा सकती हैं। छोटी सी 2 इंच की पट्टी सिर्फ, ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। देखें इस तरह से बहुत कम, दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन रखकर ऐसे पट्टी लगाएं, बेल्ट लगा लें और इसके ऊपर से छोटे छोटे से फूल लगाएं, तो ये फ्रॉक की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। उम्मीद है आपको इस कम कपड़े में ये छोटा सा फ्रॉक कटिंग करना आसान लगा होगा, पसंद आएगा। अब मैं सिलाई के बाद यूँ दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब सिलाई के बाद आपको मुकम्मल इसकी लुक नज़र आएगी। अब ये देखिए, ये छोटा सा हमने जो 3 माह की बच्ची का फ्रॉक बताया था ये मुकम्मल कर लिया है। ये देखें कितने प्यारे स्टाइल से हमने नेट, थोड़ी सी लेस और फूलों का इस्तेमाल किया, डॉट्स वाली पट्टी बॉडी पे लगाई है और स्टेप लगाए हैं छोटी सी। फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल लग रही, ये फ्रॉक बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी छोटी सी स्टाइलिश फ्रॉक। दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया तो, वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।